सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने को जमीन ना छोड़ना। जमीन से जुड़ी ऐसी विभूतियां जब जन जन की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ती हैं, तो समूची वसुधा, समूची मानवता उनका स्वागत करती है। ऐसे ही विद्वान, मनीषी और असाधारण कर्मयोगी हैं आचार्य बाल कृष्ण जी, जिन्होंने अपनी लगन, परिश्रम, अध्ययन और चिंतन मनन से आयुर्वेद को प्राचीन ग्रंथों से निकालकर घर घर पहुंचाया और देश विदेश में आयुर्वेद को दिलाई नई पहचान। पतंजलि द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाइयां आज पूरब से लेकर पश्चिम तक अपना स्थान बना पाई हैं। तो इसके पीछे है आचार्य जी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन। उन्होंने स्वयं ऐसी अनेक जड़ी बूटियों की पहचान की, उनका उत्पादन शुरू किया और फिर दिया उन्हें एक सिद्ध और अनुभूत आयुर्वेदिक उत्पाद का रूप। यही वजह है कि पतंजलि का परचम FMCG इंडस्ट्री में आज विश्व भर में लहरा रहा है। पूज्य आचार्य बाल कृष्ण जी का जन्म 4 अगस्त 1972 को हरिद्वार में हुआ। इनके पिता का नाम जयवल्लभ और माता का नाम सुमित्रा देवी है। जब आचार्य जी 3 वर्ष के थे, तब इनके माता पिता इन्हें नेपाल ले गए। बचपन में ही जड़ी बूटियों के प्रति आचार्य जी में रुचि पैदा हुई, विशेषकर तब जब उन्होंने अपनी माता जी को विभिन्न उपचारों के लिए जंगल से जड़ी बूटियां लाते हुए देखा। रुचि बढ़ी तो इन रहस्यों को जानने समझने की जिज्ञासा कुछ समय बाद उन्हें नेपाल से भारत ले आई। 1988 में देव संयोग से आचार्य बाल कृष्ण जी की पहली मुलाकात योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से हरियाणा के एक गुरुकुल में हुई। वहीं से स्नेह, साहचर्य और मैत्री का ऐसा अटूट नाता स्थापित हुआ जो जीवन पथ की हर धूप छाव में साथ चला। गुरुकुल में वेद, उपनिषद, योग एवं आयुर्वेद की दीक्षा के उपरांत दोनों मनीषियों ने संपूर्ण भारत को योग युक्त, रोग मुक्त, संस्कारवान, शिक्षित और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का पावन संकल्प लिया। दोनों कर्मयोगियों ने कुछ वर्ष शोध, साधना, जन सेवा में लगाने और घर घर योग आयुर्वेद के प्रचार के बाद सन 2006 में हरिद्वार में रखी पतंजलि की नींव। परम पूज्य आचार्य जी एक दूरदर्शी, ऊर्जावान, विनम्र और बहुमुखी कौशल के व्यक्तित्व हैं, जो लगातार अपने हृदय तल की गहराई से मानव मात्र की सेवा में जुटे हैं। वो प्राचीन जीवन शैली, परंपराओं और प्राकृतिक उपचारों के ध्वजवाहक हैं। इतना ही नहीं, जैव विविधता संरक्षण के लिए उनकी पहल अद्वितीय है। उन्होंने संजीवनी, सोम, स्वर्ण क्षीरी, स्वर्ण द्रक और अष्टवर्ग पौधों की भी खोज की है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। औषधीय पौधों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण में उनका अतुलनीय योगदान है। आचार्य बालकृष्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें हर्बल गार्डन और हर्बेरिया, विश्व वनस्पति शब्दकोश, खाद्य फसलों का धन, औषधीय गुणों वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान और भारत का वनस्पति सर्वेक्षण शामिल है। वो मल्टी वॉल्यूम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया पर काम कर रहे हैं, जिसमें 60,000 औषधीय पौधों की प्रजातियों का वर्णन और दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सीय पौधों के चित्रों का संग्रह शामिल है। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बाल कृष्ण और योगर्षि स्वामी रामदेव जी के अथक प्रयासों में किसानों के उत्पाद की उचित दामों में सीधी खरीद से उन्हें स्वावलंबी बनाना भी शामिल है। कर्मयोगी आचार्य बाल कृष्ण जी की निष्ठा, धैर्य, संवेदनशीलता, कार्यशीलता और पुरुषार्थ की बदौलत आज भारतीय उद्योग जगत उनको एक लिविंग लेजेंड के रूप में देखता है। चर्चित विदेशी पत्रिका फोर्ब्स ने आचार्य जी को भारत के सबसे अमीर 50 उद्योगपतियों की सूची में शामिल किया है।
पैरों में मामूली चप्पल और तन पर सफेद सूती वस्त्र आचार्य जी सादा जीवन उच्च विचार की जीती जागती मिसाल हैं। आयुर्वेद में अतुलनीय योगदान के लिए आचार्य जी को हाल ही में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन यानी IASTAM ने भी इंटरनेशनल ओरिशन और अवार्ड से सम्मानित किया है। दुनिया भर के बड़े बड़े प्रबंधन संस्थान और विश्वविद्यालय उन्हें विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते रहते हैं। आचार्य जी के 300 से ज्यादा शोध आलेख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने योग, आयुर्वेद, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी पर 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं तथा 40 से अधिक अप्रकाशित प्राचीन आयुर्वेद पांडुलिपियों का संपादन किया है। इनमें से एक ग्रंथ औषध दर्शन की 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा आयुर्वेद का विज्ञान ग्रंथ 71 भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। उन्हें प्रतिष्ठित आयुर्वेद विशेषज्ञ, मानव रत्न, भारत गौरव, इंडियन ऑफ द ईयर, भीष्म पुरस्कार, लोकमान्य तिलक और ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस लीडर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्राचीन जीवन शैली, परंपराओं और प्राकृतिक उपचारों के ध्वजवाहक आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के संस्थापक सचिव हैं। उनमें वो सभी गुण हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। इसमें भी सबसे आकर्षक है धैर्य पूर्वक सुनना, कम बोलना और आम जनता के हित में अधिक काम करना। आचार्य जी के त्याग, ज्ञान, परिश्रम और शिष्टाचार की देश दुनिया सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। आचार्य जी के अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि पतंजलि में हर साल दुनिया के 70 से ज्यादा देशों से लोग आयुर्वेद चिकित्सा हेतु आ रहे हैं। ये सभी लोग साधन संपन्न हैं, लेकिन आयुर्वेद में उनका विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक बड़ी बात है। आयुर्वेद को नई ऊंचाइयां दिलाने के लिए ठीक 2 साल पहले आचार्य जी ने स्वयं हिमालय के हर्षित क्षेत्र में 2 अनाम और दुर्गम हिमखंडों पर चढ़ाई की और कई दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोज निकाला। इन चोटियों का नामकरण भी सनातन परंपरा के आधार पर किया गया। पहली चोटी जो 17,500 फीट ऊंची है, उसका नाम ओम कैलाश शिखर रखा गया, जबकि दूसरी चोटी जो 16,500 फीट ऊंची है, उसका नाम नंदी शिखर रखा गया। आयुर्वेद की इस विकास यात्रा में एक बड़ा पड़ाव तब आया जब बरसों बाद आचार्य बालकृष्ण जी नेपाल में अपने पुराने घर पहुंचे। महानवमी की पावन संध्या पर नेपाल के रामपुर सांखर में काली गंडकी नदी के तट पर परिजनों, स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अपने घर पर उन्होंने परिजनों के साथ विजयदशमी पर्व मनाया, पुरानी यादों को साझा किया। आचार्य जी ने फेसबुक पर लिखा, करीब 40 साल पहले एक बालक सनातन संस्कृति और विश्व के लिए कुछ करने की चाह से अपने घर से अकेला निकला था। इन 40 सालों में उन बूढ़े माता पिता की आंखें हमेशा राह निहारती थीं कि विजयदशमी का त्योहार आएगा और हमारा बेटा कभी तो हमारे बीच होगा। उन्होंने आगे लिखा, उन बूढ़ी आंखों में हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा जब 40 साल के बाद वो बेटा स्वामी जी के तप पुरुषार्थ के बल से अपने परम तेजस्वी शताधिक सन्यासी और साध्वियों के साथ उस छोटे गांव में लौटा। ये दृश्य न केवल भाव विह्वल करने वाला था बल्कि सबको रोमांचित करने वाला भी था। इस दृश्य का प्रत्यक्ष अनुभव मैं स्वयं अपने पुराने गांव में लौट कर कर रहा था। आयुर्वेद की विकास यात्रा में नेपाल का उल्लेखनीय स्थान है, जहां आचार्य जी के मार्गदर्शन में पतंजलि आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्रशिक्षण से जुड़े कई महत्वाकांक्षी प्रकल्प संचालित कर रहा है।
परम श्रद्धेय आचार्य बाल कृष्ण जी के जन्मोत्सव एवं जड़ी बूटी दिवस के उपलक्ष्य में संस्कार परिवार की ओर से शत शत नमन एवं हार्दिक शुभकामनाएं।